हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मैडम। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पुराने फोन का ऐसा वेबकैम यूज कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, या फिर अपने ऑनलाइन सेशंस को अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। और साथ में हम आज सीखेंगे बनाने एक जुगाड़ू स्टैंड जो कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फोन को फिक्स कर देगा। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर आपने यहाँ पर सर्च करना है ड्रॉइड कैम, ठीक है, इस तरीके से। और जो पहले एप्लीकेशन आएगा इसी को आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो ये हमारे फ़ोन में ये इंस्टॉल हो चुका है अभी। और इसी सेम एप्लीकेशन को हमें अपने कंप्यूटर के अंदर भी डाउनलोड करना है। तो अपने कंप्यूटर में आके आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है और सिंपली टाइप करना है ड्रॉइड कैम फॉर पीसी, इस तरीके से ड्रॉइड कैम फॉर पीसी सजेशन में आ जाएगा। और इसको सर्च कर देना है, जो पहला लिंक आपको मिलेगा इस तरीके का, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको जो सबसे ये डाउनलोड का जो बटन मिलेगा इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है, तो ये डाउनलोडिंग पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, एक बार डाउनलोड हो जाए फिर इसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में जल्दी से। अभी हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो अभी हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये फेल दिखा रहा है क्योंकि हमारा कोई भी डिवाइस भी इससे कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स पे जाना है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके आपको जाना है अपने मोर सेटिंग्स के अंदर। आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, और ये ऑप्शन आगे में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने अबाउट फोन में जाइए। अबाउट फोन में जाके आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर वर्जन, इस पर तीन बार क्लिक कीजिए, ऑप्शन आपका चालू हो जाएगा। अभी मेरे में ऑलरेडी चालू है तो इसलिए मेरे को नहीं दिखा रहा है। आपके में नहीं हो तो ये आपको तीन बार क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप वापस आइए और डिप्लॉय ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पे इसको ऑन कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे यूएसबी डिवाइन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। इतनी सेटिंग आपको अपने फ़ोन के अंदर करनी है। फिर आपको अपने कंप्यूटर में आके अपना ड्रॉइड कैम वाला सॉफ्टवेयर ऑन करना है इस तरीके से, और यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करना है कि यहाँ पर हमारा डिवाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ उसके लिए, तो देखना आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने डिवाइस को कनेक्ट ही नहीं किया है। तो चलिए डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप से। हमारा फ़ोन अब लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, अभी हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर फिर हमको हमारा मोबाइल दिखाई देगा। तो ये देखिए हमारा मॉडल हमारा दिखाई दे रहा है। अभी हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए अभी यहाँ पर वेब कैमरा चालू हो जाएगा। तो अभी हमारा जो फ़ोन का कैमरा है वो एज अ वेब कैम हमारे लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें, और जो मेरे लैपटॉप का कैमरा है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। अभी हमने अपने फ़ोन के कैमरे को ऐसा वेबकैम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, और अभी हमें ज़रूरत है इसके एक छोटे से स्टैंड बनाने की जो कि हमें लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे फिक्स हो जाएगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक चाहिए होगी एक पत्ती इस तरीके की, और चाहिए होगा घर वाला एक प्लास, ठीक है। तो इनकी मदद से हम एक स्टैंड बनाएंगे बहुत छोटा सा, क्योंकि आप बहुत जल्दी बना लोगे। और ये पत्ती भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगी, 5 या 10 रुपये की फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए अपना हम स्टैंड बनाते हैं जल्दी से फटाफट से। अपना स्टैंड इसके हिसाब से बनाना है, तो हमें यहाँ पे फिक्स करना है अपना स्टैंड। तो सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ अपना कि मुझे कौन कौन सा इस एरिया में को फोल्ड करना है इसमें। तो लगभग मैं यहाँ से लेके इस पर यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ कि यहाँ से मेरे को यहाँ से फोल्ड करना है इसको, ठीक है, लगभग यहाँ से। और फिर मैं इसके टॉप से देखूँगा कि टॉप से मेरे को कितना इसका चाहिए, और एक मार्क हम इसके टॉप से लगा लेंगे। इसको यहाँ पर रखते हैं और कुछ इस तरीके से एक मार्क हम यहाँ से लगा लेंगे, एक हमको यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है। और एक मार्क हम इसके पीछे से लगा लेंगे, लगभग इतना इतना हमको इसके एरिया तक जाना है पीछे तक, ठीक है। तो ये हमने तीन मार्क यहाँ से लगा लिए, और एक मार्क हम इस फ़ोन को रख के इसके आगे लगा लेंगे, ठीक है, कि भाई इतना में ये फ़ोन हमारे आने वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करते हैं बढ़िया करके। तो इस तरह की मार्किंग हमने अपने पत्ती पर कर लिया है।
तो सबसे पहले हम प्लस को पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट से पकड़ेंगे और इसको थोड़ा आगे की तरफ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये अभी हमारा इतना बेंड हो गया, ठीक। अब ये दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको थोड़ा इस तरीके से बेंड कर देंगे, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, फिर ये आ गया हमारे पास, ये इस तरीके का फंस जाएगा उसमें जाके। और फिर जो बचा हुआ पॉइंट है कहाँ गया, ये यहाँ पे। अभी हमें यहाँ से इसको बेंड करना है पीछे की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, ठीक है। हमें इस तरीके से करना है और फिर हम अपने मोबाइल को रख के देख लेना कि मोबाइल हमारा भाई इस एरिए में इतना आ जाएगा। तो हम फिर से मार्क कर लेते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कर लिया है, टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर सकते हैं। और फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे कर बैंड करेंगे इस तरीके से। हमारा फोन इसके अंदर फंस जाएगा बहुत आराम से। और हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ये थोड़ा सा इसको और बेंड करना है, ठीक है, ताकि मोबाइल थोड़ी सी ग्रिप बन जाए इसकी। ऐसे करके थोड़ा सा आगे करना है इसको, थोड़ा सा हम इसको स्प्रेस कर देते हैं इस तरीके से। ये कुछ इस टाइप की शेप बननी चाहिए, ठीक है। और ये फोन हमारा बहुत आराम से इसमें फंस जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फोन अभी बहुत अच्छी तरीके से इसमें फंस चुका है। तो चलिए अब अभी हम इसको लैपटॉप लगाते हैं अपने, बढ़िया करके देखते हैं काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये जुगाड़ू स्टैंड आपके बैक कैमरे के लिए तैयार है। तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, अपना फ़ोन को फिक्स करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको यहाँ पर कर देते हैं इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करते हैं। तो हमारा फ़ोन एकदम यहाँ पे देखिए लैपटॉप पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। आपको डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे वीडियो कॉल हमारी इसमें चलेगी, ठीक है। अभी मेरा फ़ोन तो कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से, तो सिंपली मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करते ही मेरा वीडियो देखो यहाँ पे आ रहा है। जो एंगल बना है, व्यू एंगल काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छे से वीडियो कॉल आपकी हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए